जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27,200 रुपए की जहरीली शराब के साथ पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जयपुर जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में नकली शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने शनिवार को पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से लगभग 27,200 रुपए सामान सहित अवैध शराब बरामद की है। पुलिस थाना प्रभारी रीना रजावत ने इसकी जानकारी दी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे के निर्देशन में एसडीओपी अनुभाग विजयपुर निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब धरपकड़ अभियान के तहत शनिवार को थाना रघुनाथपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम धोकड़ी में आरोपी खिड़की मोगिया पुत्र नत्था मोगिया उम्र 50 साल, श्रीमती मनभर मोगिया पत्नी खिड़की मोगिया उम्र 47 साल निवासी गढ़ धोकड़ी घर के पास बने बाड़े में शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री से कच्ची शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके कब्जे से 2 प्लास्टिक के ड्रम, 1 प्लास्टिक की कट्टी से भरी 125 लीटर हस्त निर्मित कच्ची जहरीली प्रवृत्ति की शराब जिसकी कीमत 25,000 की और शराब बनाने की भट्टी पर चढ़ा सामान 3 एल्युमिनियम के डेगचे जिसमें एक में करीब 40 लीटर लहान भरा, कीमत 2200 शराब व सामान की कुल कीमत 27,200 रुपए आकी गई है। जब्त शराब की मात्रा 25 बल्ब लीटर से अधिक होने से आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। थाना वापसी पर आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध आबकारी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी रीना रजावत, जाहर सिंह, दाता राम मौर्य, ब्रजेश शर्मा, रणधीर शिव कुमार, शिव सिंह मेहरबान, राजू रावत, पूनम भदौरिया, शिवानी शर्मा और समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिवपुर से धीरज कुमार बालोटिया की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।